चलिए वो तो क्लास छोड़ी भी हम अभी यहाँ न्यू टॉप इंटरेस्ट आए तो टाइम में हम जब बात करते हैं तो हमारे पास एक क्लॉक आती है ठीक है एक कैलेंडर आता है जिसमें हम टाइम और डेट देखते हैं ठीक है तो क्लॉक में हमारे पास जैसे आज का हमारे पास डिटेल क्लॉक है तो पहले एनॉक क्लॉक हुआ करती थी जिसको हम यहाँ पे देखेंगे और कैलेंडर्स में आप लोगों को पता है कि डेज होते हैं वीक्स होते हैं मंथ्स होते हैं तो हमें उसके ब्यापे क्या करना है अपने चैप्टर को कम्प्लीट करना है ठीक है तो आप इनके बारे में देख लीजिए क्या क्या होता है अब देखिए यहाँ पे हमें बताया गया हमारे पास टू हैंड्स हैं एक दिस हैंड एंड दूसरा दिस हैंड तो हमारे पास एक होता है आर हैंड जो कि होता स्मॉलर होता है और बहुत ज़्यादा स्लोली मूव करता है ठीक है एंड द सेकेंड वन इज मिनट हैंड जो थोड़ा लंबा होता है एंड ज़्यादा तेजी से मूव करता है एज कम्पेरिजन टू आर एंड आर हैंड से तो बहुत ज़्यादा तेजी से चलता है वो ठीक है चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास हमारे पास क्लॉक है अब उसके बाद एक होती है थर्ड लीडल जिसको हम क्या बोलते हैं फर्स्ट सेकेंड ये सेकेंड वाली जो है वो सबसे लंबी और लेंथी होती है और पतली सी होती है सबसे फास्ट बात है हमारी सेकेंड लीडल ठीक है अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आर की तो जो आर वन लीडल है वो रिप्रेजेंट करते वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है लेकिन तो जो सेकेंड और मिनट वाली जो लीडल है वो क्या रिप्रेजेंट करती है वन है तो ये आ जाएगी यहाँ पे फाइव टाइम्स क्योंकि वन टू थ्री फोर फाइव ये बीच में डॉट्स लिखे हुए हैं ना तो एक डॉट रिप्रेजेंट करते हैं वन मिनट और वन सेकंड को ठीक है तो अगर आप वन पर हैं तो उस मतलब वो क्या रही है फाइव अगर वो थ्री पे है तो कितने टाइम्स हो गया फाइव टाइम्स ऑफ थ्री फिफ्टीन मिनट्स या फिफ्टीन सेकेंड्स अब अगर वो सिक्स पर है तो हमारे पास क्या जाएगा फाइव इंटू सिक्स कितना हो जाएगा थर्टी मिनट्स या थर्टी सेकेंड्स ठीक है ये बात आपको क्लियर होगी अब उसके बाद हमारे पास कुछ ऑयरेट्स हैं हम वो देख लेते हैं जैसे कि हमें बोला जाता है कि हमारे पास वन आवर जो है वो कितने के लिए होता है सिक्सटी मिनट्स के लिए होता है ठीक है तो वन आवर में कितने मिनट्स होते हैं सिक्सटी अगर मैं आपसे कि वन मिनट में कितनी सेकेंड्स होती हैं तो आप बोलोगे सर सिक्सटी सेकेंड्स अगर मैं आपसे बोलूं कि वन आवर में मुझे बताओ कितने सेकेंड्स होंगे तो आप सर ये तो पता ही नहीं तो हम हमें क्या देखना है कि वन मिनट वन आवर में कितनी मिनट्स होती हैं सिक्सटी मिनट्स ठीक है 60 और चलो सिक्सटी को हम यहाँ पे रख देते हैं ठीक है मतलब वन मिनट इसको तो सिक्सटी करेंगे तो सिक्सटी मिनट्स आ जाएगा ठीक है अभी जो सिक्सटी मिनट्स हैं मिनट में कितने सेकंड होते हैं सेकंड होते हैं तो हम ये भी ले सकते है, second, 60 second. So, 60 करेंगे, तो हैं मिनट सेकंड तो हमारे पास कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख लेना थर्टी सिक्स हंड्रेड आ जाएगा तो, तो हमारे पास हम ये बोल सकते हैं वन आर कंटेज थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेकेंड चले तो अब हमारे पास ये हो गया इसके बाद हमारे पास आता है एक पूरे देर मतलब पूरे दिन में आपके पास कितना टाइम होता है वो देखते हैं अब उसके बाद आता हूँ हमारे पास वन डे अब वन डे में कितने आवर्स होते हैं हम बोलते हैं सर होते हैं हमारे पास ट्वेंटी फोर आवर्स ठीक है अब ट्वेंटी फोर आवर्स में आप बाकी सब कंप्लीट कर ही सकते हैं चलिए अब इसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन आ गया एक्सरसाइज आ गई एक्सरसाइज में क्वेश्चन वो हमें बताता है कि कंप्लीट द ब्लैंक्स इन द फिगर गिवन बिलो व्हाट डज द फिगर टेल यू फिगर क्या बताती है ये तो रिप्रजेंट करता है आर्ट्स के लिए ठीक है और उसके बाद ये मिनट्स रिप्रेजेंट कर दीजिए जैसे कि वन इसको रिप्रेजेंट करता है फाइव मिनट्स को टू तो टेन को ठीक है इसको रिप्रेजेंट करेगा फिफ्टीन ये हो जाएगा ट्वेंटी नाइन फाइव से कितना हो जाएगा फोर्टी फाइव मैंने आप लोगों को बताया था ना ये हो जाएगा फाइज ऑफ फिफ्टी फाइव ठीक है चलो आगे चलते हैं अब आ जाते हैं ना क्लॉक पर ठीक है राइट द टाइम ए ऑफ द फोनिक क्लॉक ये गिवन बोर इन टू वेट्स ओके चलिए तो यहाँ पर हमारे पास है जैसे थ्री ओ क्लॉक है तो मैंने दे रहा थ्री ओ क्लॉक ठीक है अब उसके बाद अगर नीचे ले टाइम देखें तो यहाँ पे थ्री ओ क्लॉक तो हो ही है और सर कितने सेकेंड से ये फोर्टी फाइव सेकेंड्स फोर्टी फोर सेकेंड्स लिख देते हैं देखो टाइप से, वाग वाग वाग। से रहा आ जाएगा ठीक है अब जैसे यहाँ पे क्या लिखवा फाइव ओ क्लॉक तो यहाँ पे कितने सेकेंड्स ऑल किए मैं यहाँ जाएगा फाइव ओ क्लॉक और कितने सेकेंड से फोर्टी फिफ्टी और फिफ्टी फिफ्टी फोर लिख देते हैं ठीक है चलिए बाकी के पार्ट्स आप लोग को ये अब इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री तो हमें बोला गया है कि आप लोगों को बनाना है ट्वेल्व ओ क्लॉक और वन ओ क्लॉक टू ओ क्लॉक तो हम क्या करेंगे एक नेडल लेंगे ब्लैक से हम बनाएंगे आर वाले नेडल तो हम लेते हैं ये टू ओ क्लॉक तो ये हो गया हमारे पास टू पर ठीक है उसके बाद हम कह लेंगे एक रेड नेडल लेंगे और उसको हम कहाँ बना देंगे ट्वेल्थ पर तो ये हो गया हमारा टू ओ अगर हम ट्वेल्व की बात करें तो एक निडल तो हमारी ट्वेल्व पर आनी है और दो से निडल भी हमारी कहाँ आएगी ट्वेल्व पर आएगी ठीक तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर पॉइंट साइड करेंगी इससे कि हमारे पास क्या आ जाए टाइम आ जाए ट्वेल्व ओ क्लॉक ठीक है चलिए बाकी ये पार्ट्स आप लोगों के लिए आगे चलते हैं अब आ जाते हैं हम कैलेंडर पे लोग कैलेंडर मंथ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओके देखिए जो हमारा जो कैलेंडर होता है उसमें हमारे पास संडे होता है मंडे ट्यूजडे वे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ठीक है तो इसमें डेट्स की बने चलिए तो अब थोड़ा सा हमें आप देख लेते हैं कैलेंडर के बारे का तो जब भी हम कैलेंडर की बात करते हैं तो कैलेंडर में हमारे पास क्या आता है मंथ्स आते, आते हैं एंड डेज आते हैं ठीक है तो मंथ में सबसे पहले आ जाता है आपके पास जनवरी नेक्स्ट आता है फेबररी फेबररी देन आता है बस मार्च देन अप्रैल देन मे उसके बाद आता हूँ मैं पास जून देन जुलाई देन अगस्त, देन सेप्टेम्बर ठीक है उसके बाद आता हूँ मैं पास अक्टूबर देन उसके बाद हमारे पास नवपुर ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास जो मंथ्स है वो कितने ट्वेल्व वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन्थ इलेवन ट्वेल्व हमारे पास टोटेल्व लागू ट्वेल्व अब हम इनके डेज की बात करें तो देखो जनवरी में होते थर्टी वन डेज साहिब में होते आते ट्वेंटी एट डेज होंगे या फिर ट्वेंटी नाइन डेज होंगे मार्च में से हमारे पास आ जाते हैं थर्टी वन डेज अप्रैल में आते हैं हमारे पास थर्टी मे में हमारे पास आता है थर्टी वन डेज़ जून में आ जाता है हमारे पास थर्टी डेज जुलाई में आ जाता है हमारे पास थर्टी वन डेज अगस्त में भी हमारे पास आते हैं थर्टी वन सेप्टेम्बर में आ जाते हैं थर्टी अक्टूबर में आते हैं हमारे पास थर्टी वन नवम्बर में हो जाता है हमारे पास थर्टी डेज और दिसंबर में हो जाता है हमारे पास थर्टी वन डेज ठीक है तो इस टाइज का हमारा मंथ्स का पार्ट चलता है ठीक है अब देखिए यहाँ पे जैसे कि हमारे पास मैंने एक टेबल बनाई है तो इसमें हमारे पास बीस कैसे चेक करता है जनवरी फेबर मार्च अप्रैल तो ये जो ऊपर वाले नपल्स आ रहे हैं हमारे ये रिप्रेजेंट करता है थर्टी वन को और जो नीचे गैप पर ये रिप्रेजेंट करते हैं थर्टी को एक्सेप्ट फेबर उसमें ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन डेज होते हैं अब आप मेरे साथ मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आप पे चेक करते हैं जनवरी थर्टी वन फेब ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन मार्च थर्टी वन अप्रैल थर्टी मे थर्टी वन जून थर्टी जुलाई थर्टी वन अगस्त थर्टी वन सेप्टेम्बर अक्टूबर नवम्बर दिसंबर ठीक है तो आप इतने रहे होंगे तो चले अब उसके बाद हम आ जाते हैं हाफ पास्ट एंड आवर तो हाफ पास्ट एंड आवर का मतलब क्या एक घंटा वाई घंटा होने के बाद वन आवर होने के बाद थर्टी मिनट्स बीत चुके हैं जैसे हमारे पास सेम होता है जैसे एक्सलीअप टाइम कितना हो रहा है सेवन थर्टी तो आप क्या करेंगे सेवन ओ क्लॉक हो चुके बोले उसके बाद थर्टी मिनट्स और गुजर चुके हैं तो इसीलिए बोलेंगे हाफ पास एन ए आर ठीक है सही तो इसमें हमारे पास क्या है जैसे क्लॉक है यहाँ पे जो नेटेज होगी वो हो, थ्री और फोर के बीच में होगी और जो उसकी मिनट वाली एंड होगी वो वहाँ पर होगी थर्टी पर होगी मतलब सिक्स पर होगी तो उसका टाइम हो जाता है सिक्स थर्टी यहाँ से हम लिख सकते हैं हाफ पास थ्री चलिए तो यहाँ पर करते हैं हम गया ठीक है अब देखिए मीट टू और थ्री के बीच में तो हमारे पास कितना टाइम हो गया तो हम यहाँ लिख सकते हैं टू थर्टी तो उसको क्या बोलेंगे हम हाफ पास्ट टू ठीक है तो ये क्या हो गया हाफ़ पास्ट टू हो गया अब अगर हम यहाँ पे देखें तो फाइव और सिक्स के बीच में हमारी आर लीडल है आर हेड है और सिक्स पर हमारी मिनट है तो ये हो गया हमारा फाइव थर्टी हम यहाँ कर लिखेंगे हाफ पास्ट फाइव ठीक है चलिए अब आ जाता है हमारे पास यहाँ पर ड्रो आर हैंड एंड मिनट एंड चलिए आर हैंड के लिए हम क्या यूज करते हैं रेड तो हमें कितना करना है ट्वेल्व थर्टी तो ट्वेल्व पर हमारा हो जाएगा ये रहा हमारा ट्वेल्व और थर्टी के लिए हम करते हैं ब्लैक निडल या मिनट हैंड के लिए हम करते हैं, हैं, हैं ब्लैक तो ये हो गया हमारा ट्वेल्व थर्टी और फाइव थर्टी बनाना है तो थर्टी के लिए देखो यहाँ पर हम मिनट पर कर लेते हैं थर्टी और ऑन हैंड हम बना देते हैं फाइव है ना तो फाइव और सिक्स के बीच में आ जाएगा थोड़ा सा यहाँ ठीक है चलिए बाकी ये आप लोग बनाइए थोड़ा आगे चलते हैं चलिए तो ये हमारे टॉपिक हो गया क्लॉक का फिनिश आई होप आप लोगों को टाइम में थोड़ा सा अच्छा लगा होगा समझने के अगर आपके घर में एनालॉग क्लॉक है तो अपने पेरेंट्स को बताइए देखो इस टाइम ये टाइम हो रहा है टाइम हो रहा है तो आप दिन में तीन चार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये टाइमिंग देखना अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको आ आप भी जाएगा चलिए थैंक यू सो मच